आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलें और हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक उसका सातवां बाब। निकालें मेरे साथ और 24वीं आयत से 27वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अकलमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मैं बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मैं बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। पिछले इतवार की इबादत में हम सीख रहे हैं एक अहम मौजू कि आप अपने घर की बुनियाद किस तरह रख रहे हैं। आज इसी मौजू को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का ये 16वां हिस्सा है याद रखने के लिए। यूं हम रख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मैं दोहरा भी रहा हूं कि घर ईंटों का हो, रूहानी हो, फितरती घर हो, कोई भी तंजीम क्यों ना हो, किसी तरह का घर लगाएं, अगर बुनियाद मजबूत होगी तूफान आएंगे, आंधियां चलेंगी, भूचाल आएंगे, टकरे लगेंगी, लेकिन जिसकी बुनियाद मजबूत है चट्टान पर वो कभी नहीं गिरेगा, वो कायम रहे। जिसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तूफान आएगा। लिखा है कि वो गिर गया और जब आंधियां आई, जब मैं बरसा, सैलाब आए, तो बाइबल में लिखा है कि उन चीजों ने उस घर को नुकसान पहुंचाया। ये कुछ समझे ना कि नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि खुदा का कलाम बड़ा क्लियर है। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, साफ है, उलझन में नहीं, इबहाम में नहीं खुदा कलाम करता है, सीधी सीधी बातें। और अगर रूहानी घर भी है, अगर हमारी बुनियाद ईमानदारों की खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी चट्टान भी है, कॉर्नर स्टोन भी है, और कलीसिया का रूहानी घर का सतून भी है,
अगर वो हमारी जिंदगी में है तो तूफान बेईमानी के, बेदीनी के जितने मर्जी आए, हम कायम रहेंगे, अपने ईमान में मजबूत रहेंगे, चलते रहेंगे खुदा के साथ। तो आज इसी मौजू को कंटिन्यू रखते हुए, हमने पीछे किसी को याद हो कि इसी मौजू के तहत हमने एक बात सीखी थी कि खुदावन यीशु मसीह जिसकी बुनियाद पर हम तामीर होते चले जा रहे हैं, वो सारी चीजों का मरकज भी है, शुरू भी है, आखिर भी है। क्योंकि हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा था, ग्रंथियों के नाम पलूस रसूल का पहला खत 15वें बाब की 27वीं 28वीं आयत में कि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह के पांव तले खुदा बाप ने सारी चीजों को कर दिया है, खा वो आसमान की हो और खा जमीन की हो, यानी जो कुछ भी है सब कुछ खुदावन यीशु मसीह के पांव तले है। और फिर इसके बाद हमने एक और बात भी सीखी थी, अगर उसके पांव तले है तो फिर ईमानदारों के लिए क्या खुशी की बात है। क्या सीखा था हमने, किसी को याद हो क्या सीखा था, अगर यीशु मसीह के पांव के नीचे सारी चीजें हैं तो जो कलीसिया है, ईमानदार है, जिनके अंदर खुदा यीशु मसीह है, सारी चीजें, सारी आजमाइशें जो हम देखते हैं, तूफान उठते हैं, डराते हैं, शैतान की कुवते हैं, ताकते हैं, तरीकी की कुवते हैं, फौजें हैं, सब की सब वो ईमानदारों के पांव के भी नीचे। ये याद रखना है, क्योंकि रोमियों के खत में हमने पढ़ा था कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कलीसिया को लिखता है कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है वो जल्द ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा डालेगा, तुम्हारे पांव से। और बाइबल मुकद्दस में हम ये सीख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह ही सारी चीजों का मरकज, सारी चीजों का मजमूआ है, और हम मुबारक हैं जो खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और आज हम इसे कंटिन्यू रखते हुए फिर हवाला मैं पढ़ लेता हूँ, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसकी उसका पहला बाब, इफिसियों पहला बाब और उसकी 10वीं आयत, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमूआ हो जाए, खा वो आसमान की हो और खा, ऐसा है खुदावंद, सारी चीजें जो आसमानों में हो या जमीन पर है खुदावंद यीशु मसीह के पांव तले कर दी है, यानी सारी चीजें उसके इख्तियार में दे दी है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आलम अरवा और आलम बाला की कुंजियां
मेरे पास है। और हम ये सीख रहे हैं, इसे कंटिन्यू रखे हुए हैं कि वो सारी चीजों का जो आसमान की हो या जमीन की हो, वो सारी चीजों का मजमुआ खुदावन यीशु मसीह है। और मजमुआ का मतलब है यूनिटी, सारी चीजों को संभालने वाला, सारी चीजों में हम आहंगी पैदा करने वाला, आसमान की हो या जमीन की, सब चीजों की जो यूनिटी है, सारी चीजों को जो यूनाइट करने वाला है। ये जेन मेरे केस का मतलब एक पहलू यह है मजमुआ का, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह, सारी चीजों को यूनाइट करने वाला। और ये ऐसा इख्तियार, ऐसा नाम, ऐसी कुदरत खुदावंद यीशु मसीह को अता की गई है। खुदा ने उसे ये सारी चीजें बख्शी हैं, अपने इकलौते बेटे हमारे मालिक नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह। आसमान की चीजें हो, रूहानी हो, आसमानी हो, उनको यूनाइट करने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। एक मिसाल से आपको समझाता हूं, जिस तरह मैंने कई दफा आपको समझाया कि पुराने अहदनामा में जितनी रसूमात अदा की जाती वो सब के सब खुदावंद यीशु मसीह ही के चौगिर्द, उसकी जात के चौगिर्द घूमती। खुरूज की किताब आप पढ़े तो खुदा ने मूसा नबी को नक्शा दिखाया, जब बियाबान में थे, सफर में थे, अभी हैकल ईंटों की नहीं बनी हुई थी, पत्थरों की नहीं बनी हुई थी, तो खुदा ने हुक्म दिया कि बियाबान में क्या बनाओ? खैमा। मेरी इबादत के लिए क्या करो? हला सहारा, सहरा कह लें, जंगल कह लें, पहाड़ कह लें, सारी चीजों का मालिक कौन है? ये भी जरा सीखने वाली चीज है। आसमान और जमीन का मालिक कौन है? और खुदावंद हर जगह मौजूद है कि नहीं? दाऊद बादशाह क्या कहता है कि अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं, अगर समुद्र के पार चला जाऊं, और अगर जमीन के नीचे चला जाऊं, है तो हर जगह वो भी, ये गौर करें। लेकिन फिर भी खुदा ने कहा कि मेरी मुलाकात के लिए, मेरी इबादत के लिए क्या करना? यानी सारा जंगल, सारी सहरा, सारा बियाबान है ही मेरा, लेकिन एक खैमा बनाओ, वहां आपसे मुलाकात होगी, और सातवें दिन आपने सबने जमा होना है। क्रूज की किताब पढ़े, क्योंकि ये सातवें दिन का जो तस्वर है, ये मूसा की जो रिटन शरीयत है, जिसमें खुदा ने रिटन हुक्म दिया कि सातवें दिन को पाक मानना, उससे पहले की बात मैं कर रहा हूं, ये बहुत याद रखना। अभी मूसा को शरीयत नहीं मिली रिटन, तो खुदा ने बियाबान में ही कहा कि सातवां दिन पाक मानना, क्योंकि ये तो शुरू में कह दिया था, जब छह दिन में सारी चीजों को बनाया तो सातवें दिन को क्या कहा? उस वक्त मूसा की शरीयत थी, ये मूसवी शरीयत का हुक्म नहीं कि सातवें दिन पाप मानना, मेरा सबत मानना और मेरी इबादत करना, नो।
इसकी अहमियत इबादत करने की जो आज मसीहों का इतवार हम सब्बत मानते हैं जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, ये तो शुरू ही से है और मूसा की शरीयत से पहले का हुक्म है और खुदा ने हुक्म दिया मूसा को और खुद नमूना लिया, डिजाइन किया खैमा को बनाना और वहां तुम उसकी क्या करना, इबादत करना, और बड़ी चीजें बताई और वो सारी चीजें जो थी वो खुदावन यीशु मसीह के ही चौगिर्द घूमती थी। आप पढ़े खैमा के बारे में, खुरूज की किताब को पढ़े जब आपके पास वक्त हो। लेकिन वहां मैंने पढ़ते पढ़ते जब यहां देखा इफ़सियों के खत में कि हर चीज को यूनाइट करने की शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह है, सारी चीजों का मजमूआ बना के खुदा ने भेजा है, आसमान की हो या जमीन की हो। तो जब मैंने खामा के बारे मुताला किया तो मेरा ख्याल एकदम खुदा ने रहनुमाई की। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आप पढ़ेंगे खुदा ने एक हुक्म दिया कि जब मस्कन बनाओ, मूसा को कहा तो मस्कन में जब पर्दे लगाओ, मस्कन बनाने के लिए पर्दे लगाओ, तो आपका जहन चलना शुरू हो जाएगा। खुदा ने कहा कि तुम क्या करना, पर्दों को जोड़ने के लिए क्या करना, हुक्स बनाना, जिसे क्या कहते हैं कुंडियां, हुक। और वो हुके जो हो वो कुछ चांदी की हो और कुछ सोने की हो, काला लोहे की भी हो सकती थी। पर्दों को जोड़ने के लिए, मस्कन को जोड़ने के लिए हुके बनाओ, लेकिन हुके सिल्वर की हो और फिर हुके सोने की हो, और उन हुकों के वसीला से पर्दे जो हैं वो जो मस्कन के पर्दे हैं वो जुड़ जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं समझा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है ईमानदारों के लिए, चाहे वो पुराने अहदनामा के रास्तबाज हैं, पुराने अहदनामा के ईमानदार हैं और फिर नए अहदनामा के ईमानदार हैं, नए अहद की कलीसिया है, खुदा ने यीशु मसीह को ऐसी हुक बनाया कि दोनों को, पुराने अहदनामा को और नए अहदनामा को जोड़ दे। एक ही शख्स है, कोई और जोड़ नहीं सका। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं बेशक आप बाइबल मुकद्दस को खुद भी पढ़ते हैं, इफ़सियों का खत ही पढ़ लें, निकाले मेरे साथ, आपको समझ आ जाए कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई हर चीज को यूनाइट करने के लिए, जोड़ने के लिए ये सिंबल है हुक। फिर इसके बाद बताऊंगा कि सिल्वर की हुक क्यों खुदा ने कहा कि इस्तेमाल करो और गोल्ड की हुक क्यों इस्तेमाल करो। पहले आप ये पढ़ लें इफ़सियों के नाम पर उस रसूल का खत दूसरा बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक, आपका दिल खुशी से झूम जाए कि हम जिस यीशु
परिवार रखते हैं, इबादत करते हैं, उसमें कितनी कुदरत है, कुवत है, और खुदा बाप ने उसे क्या इख्तियारात बख्शे हैं। किसी दूसरे किसी मुकद्दसीन को इस तरह का एजाज और कुदरत नहीं बख्शी है, अपने सिर्फ बेटे को ये बख्शी है। ग्यारहवीं आयत से क्या लिखा है, बड़े ये इल्म याद की बात है, गौर से आप सीखें। लिखा है पस याद करो, कलीसिया को कह रहा है, किसको कह रहा है, इफिसस की कलीसिया को, ईमानदारों को, याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो। कलीसिया को क्या रहा है, कह रहा है कि तुम जिस्म की रूह से क्या हो, गैर कौम वाले हो, यानी यहूदी नहीं हो तुम, इसराइली तुम नहीं हो। अगर मैं आप पर सवाल करूं आज, एक दफा क्लास में मैं ये तालीम दे रहा तो उन्होंने कहा ये हमने कभी गौर नहीं किया, हमें पता ही नहीं। अगर मैं यहां भी सवाल करूं तो आप यहूदी हैं जिस्म के लिहाज से, कौमी लिहाज से, नस्ल के लिहाज से यहूदी हैं? नो। इसराइल हैं? नो। कहां से आप आए हैं? यहां लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, हम गैर कौमों से आए हैं, और उसने फिर हमें अपनी उम्मत बना लिया। हम गैर कौमों से आए हैं, पता नहीं कोई किस बैकग्राउंड से है, कोई किस बैकग्राउंड से है, हम सब के सब जो भी कलीसिया में शामिल हुए हैं गैर कौमों से आए हैं, और यीशु मसीह की कुदरत देखें, गौर करें, आप झूम जाएंगे कि हम जो गैर कौम वाले थे उन्हें भी याद करवा रहा है, इफिसस की कलीसिया को, तो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मखतून कहलाते हैं, यानी वो जो इसराइल यहूदी हैं, और तुमको जो नामखतून हो, जो खतना नहीं करवाते थे, अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के ओहदों से ना वाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे, तुम गैर कौम वाले यानी कलीसिया। मगर यीशु ने क्या किया, हमारा दिल शुक्रगुजारी से बाहर जाना चाहिए, मगर तुम जो पहले दूर थे, खुदा से दूर, अहद से दूर, खुदा की बरकतों से दूर, खुदा के वादों से दूर, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। हालेलुया, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और यूनाइट हमें कर दिया है गुंडी के साथ। हम जो दूर थे वो जो नजदीक थे, हम दोनों को क्या कर दिया है, एक कर दिया। आप पुराने अहदनामा के ईमानदार, नए अहदनामा के ईमानदार, खुदावंद यीशु मसीह ने हुक की तरह जो एक सिंबल है हुक, सबको इकट्ठा जोड़ दिया है, और अब हम बाप अब्राहम के वादों में, और अब हम जब मसीह पर ईमान लाए हैं बाप याकूब की मीरास में यीशु मसीह के वसीला से शामिल हो गए। इसलिए अब बाप
हमारा रूहानी तौर पर अब्राहम है। जितने वादे बाप अब्राहम से बरकतों के किए गए, कलीसिया उसमें शामिल हो गई। हालेलुया। लेकिन किसके वसीला से? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। क्योंकि यीशु मसीह ने दोनों को क्या कर दिया? यहां तक यीशु मसीह ने नए अदनामे में आके तमसील दी है एक गरीब आदमी की और अमीर आदमी, और कहा कि जब गरीब आदमी मरा जो ईमानदार की तस्वीर है, तो फरिश्तों ने उसे उठा के कहां रख दिया? अब्राहम की गोद का मतलब क्या हो गया? मुहावरा है, इस्तारा है कि अब जहां अब्राहम की रूह है, जहां पुराने अहदनामा के ईमानदार रास्ताबाज़ और नबियों पैगंबरों की रूह है, अब जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो भी वहां ही बाप अब्राहम की गोद में चला जाता है, क्योंकि उसने हमें यूनाइट कर दिया है। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। इसलिए इफिसियों के खत में वो कहता है कि उसने सारी चीजों का मजमूआ यीशु मसीह को बना के भेज दिया है। सारी चीजों को यूनाइट करने वाला, आसमान की हो या जमीन की, वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। अब क्या लिखा है? पहले जो तुम दूर थे और वो जो नजदीक थे, दोनों को क्या कर दिया है? एक कर दिया है, और जुदाई की दीवार को क्या किया है? ढा दिया। हालेलुया। और पहले गैर कौम जब हैकल बनी, तो गैर कौमों को हुक्म था, इजाजत थी कि वो आए और सहन में आए। कहाँ आए? और सहन में आए बैठे। गैर कौम के लोग हैकल में आते थे, लेकिन सहन में आते थे, आगे नहीं जाते थे। उसके चार हिस्से बने हुए थे हैकल में। पाक तीन मकाम, जहाँ से सरदार का नहीं, साल में एक दफा, और उसके बाद फिर काहिन, और उसके बाद फिर खुदा के लोग यहूदी इसराइल, और उसके भी दो पोर्शन थे। औरतें अलग बैठती थी और मर्द अलग बैठते थे, और फिर चौथा पोर्शन था जहां गैर कौम आके बरकत हासिल कर सकते थे, सुन सकते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कोड़ा लेके क्यों निकाला है कल में से, किसी को पता हो कि जहां गैर कौमों ने आके बैठना था या सुनना था, वहां उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। वो तो सारा सहन भर दिया था बिजनेस के साथ। तो खुदावन ने कहा कि कोड़ा लिया, और उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की बना दिया, खो बना दिया। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह आया, उसने सारी दीवार को क्या कर दिया? ढा दिया। जब यीशु मसीह ने जान दी, तो लिखा ना हैकल का जो पर्दा था वो नीचे से ऊपर तक फट गया, और सारी जुदाई को खत्म कर दिया, और सारी दीवार को तोड़ दिया। और अब यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से हर छोटा बड़ा खादम हो, कलीसिया हो, मेंबर हो, यीशु मसीह के वसीले से उसके पाकतरीन मकाम में आता है, दलेरी से आता है, इबादत करता है, शुक्राने पेश करता है। इसलिए वो खुशी से आते हैं, दलेरी से आते हैं, और मुजरम बन के नहीं आते,
बेटों और बेटियों की हैसियत से आते हैं। हालेलुया। ये हमारी जो सिंबल है हुक, जो पुराने आदनामा में खैमा में लगाई जाती थी ताकि पर्दों को क्या कर दे, यूनाइट कर दे। ये किसकी तस्वीर थी? हुक, खुदा यीशु मसीह। अब सिल्वर की हुक जो यूनाइट करती है, यीशु मसीह ने हमें यूनाइट किया है। सिल्वर से मुराद क्या है? सिल्वर से मुराद ये है सच्चाई। ये सिंबल है सच्चाई। सिल्वर जो है ये सिंबल है सच्चाई। और खुदा यीशु मसीह ने कहा राह हक, शरीयत तो मूसा के वसीला से दी गई, लेकिन आगे क्या लिखा है? लेकिन बेटा जो है वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर के आया। यूहन्ना की इंजील में किससे मामूर होके आया? फजल और सच्चाई के साथ। और उसका हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने फकीह फरीसियों को कहा, यशरा के भी आलम थे, कि अगर सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई से वाकिफ हो, रसूमात तो अदा करते हो, सच्चाई क्या है? अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा, सच्चाई ये है, तो वाकई तुम आजाद होगे, क्योंकि खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेजा है, और जो उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, क्योंकि खुदा ने उसे सारी चीजों का मजमूआ बना के, जो सारी चीजों को यूनाइट करता है, इस जमीन पर भेजा है, नजात दहिंदा बना के भेजा है। और वो ऐसी सिंबल है हुक की, चांदी की, सिल्वर की हुक लगाते थे टेंट में, खैमा में, एक सच्चाई और दूसरी ये सिंबल हुक थी, सच्चाई और दूसरी इसका मानी ये थे रूहानी रास्तबाजी। हमारा खुदा यीशु मसीह जो सिंबल है हुकी पुराने ऐदनामा में, वो सच्चाई भी है और रास्तबाजी भी है। हालेलुया। इसलिए पुराने ऐदनामा के ईमानदार भी मसीह पर ईमान लाते थे, मैंने सुनाया, रखते थे। यीशु मसीह के बारे उन्होंने क्या की? पेशनगोईयां की, आपने पढ़ा। यीशु मसीह के बारे नबूवतें हुई, कफारा के बारे में, खुदा यीशु मसीह की मौत के बारे में, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में। जिस तरह मैंने आपको एक दफा बताया, उन्होंने कहा कि तू हमारे बाप अब्राहम से बड़ा है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि इससे पहले कि अब्राहम हो, पैदा हो, मैं हूं। और अब्राहम खुदा यीशु मसीह का दिन देखने का क्या था, ये आपने पढ़ लिया। उसका भी ईमान किस पर था? किसको देखने का मुशाक था? यीशु मसीह। और जो मैंने पिछले इतवार को कलाम सुनाया, उसमें मत्ती की अंजील मुकद्दस में मैं पढ़ता ना 22वां बाब 42वीं आयत से 44वीं आयत में खुदा यीशु मसीह आके फरीसियों को समझा रहा है कि वो किसका बेटा है जिसके बारे में, ये वाला लिख ले, मत्ती 22वां बाब 42वीं आयत से 44वीं आयत तक। जब बहस हो रही है तो बहस में खुदा यीशु मसीह दलाइल दे रहे हैं
और दलाई क्या दे रहे हैं आप पढ़ लेना के दाऊद रूह की हदायत से किस तरह कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ। और ये इक्तबास, ये हवाला कहां से लिया? यीशु मसीह ने जबूर 110वां जबूर पहली आयत में लिखा है, दाऊद बादशाह पर मुकाशवा उतरता है कि यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा कि मेरे दाने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे सब दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। तो खुदावन यीशु मसीह आके नए अहदनामा में कह रहे हैं कि दाऊद ने रूहुल कुद्स की हदायत से ये कहा। रूहुल कुद्स पुराने अहदनामा के लोगों पर जाहिर करता था, मुकाशवा देता था खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, जिसके वसीला से पुराने अहद नामा के रास बार ठहरे। इसलिए लिखा है कि जब अब्राहम खुदा पर ईमान लाया तो ये उसके लिए क्या गिना गया, क्या गिना गया? तो अब्राहम ईमान किस पर लाया? गौर करें, अब्राहम मेरा दिन देखने का। यीशु मसीह कहता है दाऊद रूह कुद्स की हदायत से क्या करता था, उस पर पाक रूह ने जाहिर किया कि खुदावन मेरे यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा। इन इसका मतलब होता क्या बनता है कि खुदा बाप ने खुदा बेटे के बारे में दाऊद कहता है कि खुदा बाप ने मेरे खुदावन यानी खुदा बेटे को ये कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ। इसमें तसलीस भी है, इसमें बाप भी है, इसमें बेटा भी है, इसमें खुदावन भी है। सारी चीजें पुराने अहदनामा में भी है, नए अहदनामा में भी है, और ये सारी चीजों को यूनाइट करने वाला, रासबाज करने वाला, रासबाज ठहराने वाला एक ही नाम है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा भी है कि हम उसके लहू के वसीला से रासबाज ठहरते हैं। असली पर मर गया, जी उठा, और उसके जी उठने से हम क्या ठहर गए? बेशक हम रासबाज बनते नहीं, कोई इंसान खुद रासबाज अपने आप को बनाना चाहे बन नहीं सकता, लेकिन खुदावन यीशु मसीह अपने पाक लहू के वसीला से हमें क्या करता है? जब हम उस पर ईमान लाते हैं हमें रासबाज ठहरा देते हैं। हालेलुया। तो ये जो कुंडी है, इंग्लिश में हुक कहते हैं, ये पुराने अहदनामा में कामा में ये सिंबल किसकी तरफ इशारा करता है? दी खुदावन जो सारी चीजों का क्या है, मजमुआ है, सारी चीजों को क्या करने वाला है, यूनाइट करने वाला है। पुराने अहदनामा नए अहदनामा के ईमानदारों को क्या करने वाला है? रासबार ठहराने वाला है और यूनाइट करने वाला है। और गोल्ड की कुंडी या हुक इंग्लिश में, तो उसका मतलब क्या है? गोल्ड डिवाइन और शाही
लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, इस्तलाह है गोल्ड गोल्ड की। जब खुदा यीशु मसीह पैदा भी हुए तो मजूसी क्या लेके आए थे? आधा दिसंबर में हम सुनेंगे, टैबलो भी देखेंगे, क्या तीन चीजें लेके आए थे? सोना और मुर्द किसको जाहिर करता है जी? शाबाश, कफारा को, कि यीशु मसीह कुर्बान होगा। अच्छा, अभी हम सीखेंगे दिसंबर के पूरे महीने। और लुबान किसको जाहिर करता है? शाबाश कहें, तालियां बजाएं। लुबान किसको जाहिर करता है? और लुबान जलाते थे कहें। और गोल्ड, और गोल्ड सोना, यीशु क्या है? कैसी चीज है? सारी चीजों का मजमुआ है। कोई नबी पैगंबर ये तीन औहदे एक वक्त में रख नहीं सकता, ये यानी इल्मे लायात के मुताबिक ये भी सीखने वाली चीज है। या कोई काहिन हो सकता है या कोई बादशाह हो सकता है। जो बादशाह है पढ़ ले वो काहिन हो सकता, जो काहिन है वो बादशाह नहीं हो सकता। लेकिन हमारा खुदावर यीशु मसीह सारी चीजों का मजमुआ है। वो बादशाह भी है, काहिन भी है, और कफारा देने वाला भी है। सारी चीजों का मजमुआ जो सारी चीजों को यूनाइट करने वाला है, उसका नाम खुदावन यीशु मसीह है। और आगे चलें, थोड़ा और सुने। खुदावन के कलाम के मुताबिक हम सीख रहे हैं। पुराने अदनामा की कलीसिया कह लें, रास्तबाज लोग, और नए अदनामा की कलीसिया को किसने क्या कर दिया है? यूनाइट किसने किया है? जो उस पर ईमान लाए और अब ला रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं मुकाशवा की किताब, मैं पढ़ता नहीं हूं लेकिन लिखवा देता हूं, बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक, फिर लिखने वाले लिख लें, जो सुनते हैं वो भी नोट करते हैं, मुझे पता है। फिर मुकाशवा की किताब 11वां बाब 15वीं और 16वीं आयत लिख लें या सुन लें, याद रख लें। और खुदा ने पुराने अहदनामा के ईमानदारों को रासबाज भी ठहराया और नए अहद की कलीसिया को अपने लहू से रासबाज भी ठहराया। और कैसा मजमुआ है खुदा में यीशु मसीह, खुदा की बादशाहत में, कि वो सब चीजों को यूनाइट उसने कर दिया है। इसमें जो हवालात मैंने दिए हैं, इसमें आप पढ़ भी लेना, लिखा हुआ है इसमें बाइबल मुकद्दस में, जब यूहन्ना को ये मुकाशवा मिलता है और रोया में देखता है तो वो जिक्र करता है एक नए यरूशलेम का। कितनों ने पढ़ा नया यरूशलेम? मुकाशवा की किताब में नया, ये इस्तलाह है। नया यरूशलेम से मतलब है कलीसिया। नया यरूशलेम से मतलब क्या है? कलीसिया, ईमानदार, ईमानदारों की जमात। और नया यरूशलेम और शहर ये कलीसिया ईमानदारों रासबाजों के बारे में ये अलामती जुबान इस्तेमाल की गई है।
कि हम जल्दी से समझ आए। और इसमें मैंने क्या जो जो बताया है पढ़ा नहीं, इसमें वो देखता है कि यरूशलेम जो नया यरूशलेम है उसकी शहर पना की 12 बुनियादें हैं और 12 क्या हैं दरवाजे, ये पढ़ेंगे तो लिखा होगा। 12 क्या है शहर पना की बुनियादें और 12 क्या है दरवाजे। और बाइबल मुकद्दस ही में लिखा है, क्या सराई नहीं है, लिखा है कि 12 दरवाजों पर जो नया यरूशलेम है बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। और फिर लिखा है, यहां लिखी पड़ी बात है कि शहरपनाह की 12 बुनियादें जो हैं बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। नया यरूशलेम बुनियादों पर नाम किसके लिखे हुए हैं, और जो दरवाजे हैं 12 उस पर नाम किसके लिखे हुए हैं, बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के जो रासबाज लोग हैं आने वाले जहान में नया यरूशलेम जो है वो ऐसी जमात होगी कि दोनों अहद नामों के ईमानदार जो है उनको यीशु मसीह ने रासबाज ठहरा के एक कर दिया है। और फिर आपने जिक्र सुना होगा, आप सवाल भी करते हैं कि ये जी 24 बुजुर्ग क्या है, पता नहीं कोई कुछ तफसीर करता है कोई कुछ तफसीर करता है, जो हवाला मैंने लिखवा दिया है कि फिर मैंने 24 बुजुर्गों को देखा और उन बुजुर्गों ने क्या किया, 24 बुजुर्गों ने जो तख्त पर बैठा हुआ था 24 बुजुर्गों ने उसको क्या किया, सिजदा किया। हालेलुया। ये 24 बुजुर्ग क्या है, ये अलामती जुबान है, 12 रसूल उनकी बुनियाद पर जो कलीसिया खुदावन की बादशाहत में शामिल होगी, और 12 कबीलों के नाम ये लिखे हुई बात है, क्या सराय की नहीं, वो जो पुराने अहदनामा के ईमानदार जिनको रासबाज खुदा ने ठहराया है और जो आइंदा और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे, ये बाइबल के मुताबिक है। ये सब के सब ये अलामती जुबान है कि सब के सब फिर इकट्ठे आज इसराइल या यहूदी या कलीसिया अब एक नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा और खुदा की बादशाहत में हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा और खुदावन उनके जहन को खोलेगा। और रोमियो के खात में मैंने एक दफा किसी को आयत पढ़ के सुनाई थी कि अब इसराइल अगर सख्त हुआ है यीशु मसीह के बारे में, जिस तरह हम कबूल करते नहीं कर रहा, वो भी हमारी बेहतरी के लिए, ताकि गैर कौम के लोग खुदावंद यीशु मसीह को क्या करें, कबूल कर लें। लेकिन वो वक्त आने वाला है और वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आएगा जब वो भी हमारी तरह यीशु मसीह को मानेंगे, बेटा मानेंगे, नजात दिंदा जिस तरह हम मानते हैं मानेंगे, कबूल करेंगे, और आसमान पर 24 बुजुर्ग
पुराने आदनामा के और नए आदनामा के इकट्ठे उसकी इबादत करेंगे, मिलके प्रेस करेंगे, सिजदा करेंगे, हम करेंगे बराबरी जो तख्त पर है। और ये इबादत अब्दुलबाद होती रहेगी। हालेलुया। और इसको यूनाइट करने वाला कौन है, जो सारी चीजों का मजमुआ कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। सारी चीजों की यूनिटी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। एक ही नाम बख्शा गया है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, उसको खुदा ने सारी चीजों का मजमुआ बना के भेज दिया। हालेलुया। इसलिए आप मुबारक हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज जो सिंबल हम सीख रहे हैं, खैमा से लेकर के कुंडी हुक, और आसान तरीके से खुदावंद यीशु मसीह सिंबल के तौर पर एक हुक की तरह उसने हमें क्या किया है, जोड़ा है। खुदा के साथ हमें किसने जोड़ा है? और वो ही जमीन पर से कुंडी डालेगा, और रैप्चर वाले दिन कुंडी डाल के हमें आसमान पर ले जाएगा। हालेलुया। वो ऊपर से उठाएगा जहां जहां ईमानदार हैं वहां कुंडी डालेगा। ये तश्बीह है, तश्बीह ही जुबान है। और पुराने आदनामे में खुदा ने कहा कुंडी जोड़ेगी, और रैप्चर वाले दिन समझो जहां जहां ईमानदार है खुदावंद यीशु मसीह कुंडी की तरह नीचे फेंकेगा कुंडिया और ऊपर आसमान पर चलेगा। एक ही कुंडी है, एक ही हुक है जो आसमान पर ले जाएगी, खुदा से जोड़ देगी, उसका नाम यीशु मसीह है। और एक और खुशी की बात कलीसिया के लिए कि आप भी कुंडी की तरह ही हैं। अगर वो कुंडी है तो आपको भी उसने क्या बनाया। मत्ती की झील में मेरा ख्याल चौथे बाब में क्या लिखा है, जब यीशु मसीह खुदा की बादशाह की मनादी कर रहे थे, खुदा यीशु मसीह ने शमौन पतरस को और उसके भाई इंद्रियास को देखा, और वो क्या कर रहे थे। अब आपने तालियां अगर कहते हो आपके लिए बजे जवाब दे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करो, मछलियां पकड़ने छोड़ दो और मेरे पीछे बोलो। जो सबसे पहले बोलेगा मैं तुझे अब क्या बनाऊंगा, आतंकी बनाऊंगा, तालियां। और मछली किससे पकड़ी जाती है? अब तुम भी कुंडी डालो, आदमियों को पकड़ो, कलीसिया कुंडी डालो। अब कुंडी डालना, खुदा के पास लाना, आदमगीर बनना किसका काम है? हर ईमानदार का काम है। हालेलुया। आप भी एक हुक की तरह काम करें, लोगों को हुक डालें, हैं? मोहब्बत की हुक डालें, खुदावंद यीशु मसीह की हुक डालें, और उन्हें कहां लेके आए जी? यीशु के पास लेके आए। खुदावंद यीशु मसीह एक घर में थे जमीनी खिदमत में, अब तो हर जगह मौजूद होते हैं। जिसम में जब थे तो बड़ा राज था, एक मफलूल था, आपने अब जवाब देना है। तो घर छोटा होगा या आगे नहीं जा रहे थे, ले जा करके जगह नहीं थी ये कह लें, या मुश्किल थी ले जाने के लिए, मफलूल था। तो आप बताएं किस तरह लोग लेके गए? उन्होंने कहा छत खोलो।
जब छत खोली तो जहां यीशु मसीह घर में थे, खड़े थे, वहां आके क्या किया? चार लोगों ने चार पाई को दड़ 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 यीशु मसीह ने कहा कमाल कर लेंगे कि तुमने। उस वक्त पता नहीं मुहावरा बनिया कि नहीं कि जब खुदा देता छत फाड़ के। लोगों ने यीशु के कदमों में रख दिया और यीशु ने मौजा कर दिया। आज कलीसिया का काम है आए आदम कील बने, रूहों को बचाएं। आपको खुदा ने चुना ही इसलिए है कि खुद भी आपको ये काम करना है जो यीशु करता है। आप भी कुंडी डाले मछलियों को, चाहे कोई घराना भी पड़े तो कुंडी कुछ देखे मछलियां बढ़िया होशियार होती हैं। कुंडी जब डालते हैं तो कुछ मछलियां क्या करती हैं, गोश्त खा के दौड़ जाती हैं। हो सकता है तुझे कुंडी पाई हो, खा खो के चले जाते। लेकिन आपने क्या करना है, हिम्मत हारनी है, है? कि दोबारा कुंडी नहीं पानी। अगर घर वालों को कुंडी भी डालनी है वो भी डाल दे, जो नहीं आता उसे भी डाले, उसे प्यार दिखाएं, मोहब्बत की कुंडी डाले। ना बच्चे कही दे आज तुम फलां चीज देंगे आज है कुंडी डाल के अपने घर वालों को भी और दूसरे लोगों को। अगर कोई शियार मछली होएगी तो फिर भी नहीं करना है। जो मछेरे मछेरे हैं वो क्या करते हैं, नामी होते हैं, है? सारा दिन बैठे रहते हैं। और आप कलीसिया जो है, हालेलुया, ना सिर्फ वो उसने कुंडी हमें डाली बल्कि हमें भी कुंडी दी है। खुदा के कलाम के वसीला से कुंडी डालें, लोगों को खुदा की बादशाहत में लेके आए, हालेलुया। और अब आपका काम है खुदा की हजूरी में लोगों को लेके आए, और खुदावन इसका बहुत ज्यादा क्या देगा, अजर आपको देगा। खुदा ने आपको चुना ही इसलिए है, जिम्मेदारी खुदा ने, ये जिम्मेदारी कलीसिया को दी है, इनफरादी तौर पर भी दी है और मजमूई तौर पर भी दी है। सिर्फ एक का काम नहीं कुंडियां डाले हैं, बल्कि हर ईमानदार का काम है कि तैयार हो जाए। अगर यीशु ने अपनी कुंडी से हमें खुदा की तरफ खींच ली, अब हमारी बारी आ गई। उसने कहा जो मैं तुमको आदमगीर हैं, आदमखोर नहीं। आदमखोर का मतलब की है खान वाले। कितने आलमगीर बनना चाहते हैं, कुंडी पाएंगे? यीशु ने आपको कुंडी डाली, जोड़ दिया खुदा के साथ, राजबाजी के साथ। अब कितने कुंडी डालेंगे, मैं भी आपके साथ कुंडी डालें लोगों के पास। God bless you. God bless you.